हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सलाम, राम राम राम। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? और मेरा ये रूप है आज नहाने के बाद, डबल डबल क्या है, ठंडा की बहुत है, तब से बैठे तापना सिर्फ सुहाता है, तापते रहो बैठे रहो, ब्लोअर के आगे हवा खाते रहो गर्म गर्म। चलें कुछ भोजन हो जाए, एक बज गया, बैठे बैठे दो चाय हो गई। मैंने कहा अब तो सब्जी है और भरता छोंक दिया मैंने आलू का, तो पराठे की याद आ गई तो आटा लगा लिया है, खूब मेथी अजवाइन डाल के बना लेती हूँ। डाल दिया है मेथी, ड्राई वाली डाल ली है, ग्रेवी वाली भरता दाल और आलू भरे पराठे हैं। वो चावल खाता है तो भी नहीं खाएगा, तो उसके लिए गरम गरम बना देंगे, हम मानस पराठा खा लेंगे। कोई भी जाए ऊपर नीचे म्याओ म्याओ जारी रहेगा। चलिए भाई, अब गर्मा गर्म पराठे की बारी है। मेरी सब्जी भी गर्म हो गई, दाल भी गर्म हो गई, और अब भर के पराठे बना लूँ। अच्छे ही लगते हैं ठंडक में, कुछ ये सब चीज़ें बहुत भाती हैं। रोटियां सेक के जब तक थाली तक ले जाइए तब तक लगता सूख गई, ये आलम है ठंडक का। बस आवाज़ में शब्द बोलो तो जमते नहीं हैं, कभी कभी जम भी जाते हैं, काट के निकालने पड़ते हैं। ठंडक गजब है, तो गर्म करके हमने पूछा बच्चे से तो बोला कि नहाने शुरू किया 1 बजे से 1 बजे शुरू करते करते 2। पराठे में टाइम बहुत लगता है, एक को खिलाया फिर दोनों आ गए, हमने कहा खा लो फटाफट, दोनों लोग बनाते गए आके लेते गए, फिर किचन समेटा, फिर मैंने खाया तब भी 3 बज गया, फिर जुट गया, झाड़ू उठाया, ऊपर से नीचे लगाया, पोछा लगाया, सुबह लगाओ तो गंदा हो जाता है बहुत, सुबह पोछा लगाया, फिर बर्तन धोए, बर्तन में गई थी पूरा भीग, साथ साथ में चाय भी बनाते जा रही हूँ। जब तीसरा नंबर लगा तो हमने कहा पराठे ही बना लूँ, नहीं मन करते ही रहेगा चाय पी लो चाय पी लो, तो उसके साथ पीऊँगी, फिर नहीं पिया था, तुरंत ही पी डाला था। पराठे के साथ पानी, सब्जी, पराठा, पानी, खूब भर भर के इतने मोटे मोटे बनाए थे, मज़ा आ गया था। ये जरूर बोलेंगे तुम्हारे लिए बना दें कुछ, एक कड़ा सा बना दें, नहीं चिल्लाती रहेगी, कुछ तो समझ में नहीं आता क्या खाती। हाँ सुन रहा है तुमको भी, आज तो इनको अंदर नहीं आने दिया, बाहर तुम्हारे सब पड़ा है गरम गरम, उसी में बैठो हेलमेट के अंदर, क्या प्रॉब्लम है, ठंडी ठंडी पास पे बैठोगी। झाड़ पोछा के साथ भी ऊपर जाइए तो काम ऊपर के भी हो जाते, मशीन में कपड़े पड़े थे जो फैले थे
तो थोड़े बहुत तो सूख ही गए थे, थोड़े बहुत क्या ज़्यादा ही, दो चार जो बचे थे गीले थे वो अंदर कर दिए, फिर गीले वाले डाल दिए। मैं मौसम तो ऐसे ही रहना, लेकिन कपड़े तो फैले। क्या हुआ? रात वही शाम को फैला दिए थे, वो धूप निकलेगी तो ठीक है, थोड़ी बहुत धूप खाएंगे, नहीं फिर उन्हें अंदर कर दूंगी भिगो के। मशीन में स्मेल नहीं आने लगेगी तो डाल नहीं पड़ता है, वो पड़े रहें ज़्यादा देर तक। काम हो रहा है, काम करते करते मतलब तो 4:45 हो गया था, 4:45 हो गया, तो फिर अब थोड़ा बहुत और इंतज़ाम कर दें। अलाई मलाई थी, दूध वूध गर्म करने थे, तब बैठूं। दिया चलो। हाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर 6 से उठ जाती हूँ, कहा आप चलें किचन का समेटेंगे, और फिर थोड़ा उठने के बाद फिर किचन में पहुँच जाती हूँ, फिर से शाम का इंतज़ाम। एक से पूछती हूँ तो बोलता अभी नहीं खाऊंगा, दूसरे से लिए फिर जाती हूँ, फिर मैंने तहरी चढ़ा दी, तहरी बनाती हूँ, जब तहरी बन जाती है फिर पूछने आती हूँ छोटे वाले से, बेटा अभी रोटी सेकूँ? बोलता अभी देर में खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, तब तक उसे देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, फिर जाके सेकती हूँ, फिर पूछती हूँ तो कहता हाँ खा लूँगा, फिर उसे दे देती हूँ, फिर उसको देने के बाद सारा काम समेटती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। अब बचती मेरे पास मात्र 2-3 प्लेटें, तो वो मैं छोड़ आती हूँ। अब वो मैं सुबह धोने के प्लान में होती हूँ, कि सुबह जब नाश्ता आश्ता कराती हूँ फिर धो लेती हूँ। तो ऐसे काम हुआ कल का। और खाना बनाते बनाते जब बोर हुई तो थोड़ी मस्ती भी करनी ज़रूरी होती है, मेरा चलता रहता है, कहीं गाना कहीं डांस कहीं कुछ चलता रहता है, ये मेरा बचपन से ऐसे चलता जाता है। मैं करती रहती थी किचन में, अगर पापा आ पड़े या कोई आ पड़े या रुक जाती थी, कहीं कोई डब्बा उतारने लगती थी, कहीं कुछ बर्तन लेने लगूँ, जिस पोज में हूँ उसी पोज में झुक जाती थी, ऊपर अगर ऊपर के हाथ है तो ऊपर का सामान उतारने लगती थी। तो ये मेरी मस्ती चलती रहती, मैं इंजॉय करती रहती हूँ अपने आप से। ये धूप ऐसे लगती है जैसे बीरबल ठंडक में पानी में खड़े होके दिए के सहारे खड़े रहते हैं, उतनी लगती है। मैंने आपको बताया कि धूप आई है, धूप आती है ना आए, सब बराबर। यहाँ पर सब खा चुके हैं, अब मेरी बारी है, मैं अपने लिए मोटे मोटे बना के गर्म करके रख चुकी हूँ, अब खाने का नंबर है, तो आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी और फिर खाने जाऊँगी। ढंडन बिल्लो मौसी भी खा चुकी हूँ, उनको टाइट टाइट बना के दे दिया था, वो भी मस्त हो गई बार। फिर मिलते हैं आपसे, इसमें क्या दिखाना, सब बन ही रहा है, बस बनाना और खाना। तो आपसे फिर मिलते हैं शाम को। पता नहीं क्या है, बहुत चलते हैं फिर काले होने लगते हैं, लोहे वाले जूने से भी रगड़ते हैं तो नहीं साफ होते हैं। और ये पराठे पराठे तो खैर बनते ही रहते, निकालते नहीं थे, तो ये 4 साल से रखा था बढ़िया फ्रेश, चलाने लगे थे हो जाते हैं, डर लगता है रगड़ेंगे लेकिन जूने से पराठे बन जाए। खिला के उठे तो यहाँ नहीं साफ करा था, झाड़ू लगाया ऊपर नीचे, फिर उसके बाद में गमलों पानी दिया, पोछा लगाया, पोछा लगा के सब साफ सुथरा किया, बर्तन धो के अभी आ रहे हैं। ये देखिए पूरा भीग गया मेरा, देखा पूरा भीग गया, सारे धो डाले खाली करके, अब छोटे छोटे वाले बच्चे हैं। अब ऐसा सोचूंगी क्या बनाऊँ, पराठा बनाया था, दाल थी, सब्जी, चावल नहीं बनाया था, इतने समय देखते हैं क्या बनाया जाए। पता तो रखा है तो ऐसा भी हो सकता है छोटे वाले को रोटी वोटी बना दें, सब्जी भरता दाल, हम लोग तहरी खा लें, या फिर देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा वाला नहीं बनाएंगे। किचन अपना हल्का कटा हुआ है, सारे धो डाले, सुबह तो आफत आती है और टाइम भी भागता है, नहीं होता है जल्दी झाड़ू लगा के फ्रेश और सारे अपने नित्य कर्म निपटा के नहा लो फटाफट, फिर किचन में पहुँचो चाय, और सिकाई बहुत देर हो जाती, टाइम ले लेती सिकाई, सिकाई ना करिए तो सर्दी परेशान कर। तो थोड़े आलू हैं उबले हुए, मलाई निकाल लूँ इसकी,
दूध गरम कर लूँ, दूसरा वाला भी गरम कर लूँ जो आया, तो ये सब मैं कर लूँ। शाम हो गई है, शाम हो गई है नहीं, कितना बज रहा है, टाइम बजने वाला है 4:45। 3 से जुटे हुए थे, 4:45 पे पाए हैं फुर्सत, लेकिन बहुत सारा काम निपट गया है। अब थोड़ा बाहर भी जाना था, मॉइस्चराइज़र वगैरह, थोड़ी सब्जी सोच रहे थे, लेकिन पैदल जाएं ना जाएं भीड़ बहुत हो जाती है रोडों पे क्रॉस करने में, उसमें बच्चों के पेपर हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सुबह हो नहीं पाता है, कब 11 बजे आता पता ही नहीं चलता है। देखिए कल कोशिश करेंगे 11 पे जा पाए तो जा पाए, फिर जाने वाला नहीं रहता, ठंडक बढ़ जाती है सुबह भी और इधर भी। चलिए मैं काम निपटा लूँ, बंद बंद मलाई भी फुल हो गई है तो चिपक भी गई, चलिए निकाल लेते हैं, गरम कर लेते हैं। काकू चाय पियोगे कि देर में? हाँ मेरी तो बहुत चाय हो जाती तो शाम को अवॉइड कर देते, दूध ले लेंगे गरम गरम, बहुत चाय नुकसान ही करती है, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पीते हैं ना के बराबर, शाम को मन हुआ तो पिया, नहीं तो सुबह भी नहीं शाम भी नहीं, मर्जी पे है। चलिए इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।